क्या है ये? कुछ भी तो नहीं। घर में रहकर नहीं पढ़ सकती क्या ये? सिर्फ पढ़ने के लिए ही तो जा रही है। लड़की जात है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ पढ़ने के लिए जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। चलो जल्दी, गाड़ी आ गई। हाँ ठीक है मम्मी, जाती हूँ मैं, बैग में ले लेता हूँ। ओके बाय मम्मी। बाय। सर इसकी मौत तो कमरे में हुई है। मतलब इसका मर्डर कमरे में किया गया और खींच कर यहाँ लाया गया? यस सर। जानवी एक काम करो, सारे एविडेंस को फॉरेंसिक लैब ले जाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। जी सर। तुम लोगों ने यहाँ क्या देखा? सर मैं तो अपने कमरे से सुबह सुबह उठकर आई, अचानक मैंने ब्लड देखा और देखा कि लड़की मरी पड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं हो रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पहले इसका मर्डर हुआ है और बाद में रेप किया गया। इसका मतलब ये है कि रिया को पहले उसके कमरे में मारा गया, फिर उसके बाद उसे बाथरूम के पास खींच के ले जाया गया और फिर उसका रेप हुआ। हाँ सर। यानी जिसने भी रिया को मारा है जी, वो बाहरी व्यक्ति है और जरूर उसकी रिया से कोई गहरी दुश्मनी होगी। सर मैं रिया को लेके आया और फिर हॉस्टल के नीचे छोड़ के चला गया, फिर सुबह पता चला उसको किसने मार दिया। अच्छा, रिया ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया था जिससे रिया की कभी बनती ना हो या फिर झगड़ा? नहीं नहीं। या कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम अभी घर जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर से तुम्हें बुलाऊंगा। जाओ। जी सर। तो आपको किसी पे शक है अपनी बेटी के मर्डर के बारे में? नहीं सर, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। कोई उसका बॉयफ्रेंड या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे उसका झगड़ा हुआ हो या दुश्मनी? नहीं सर, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, वो कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। वो हॉस्टल में रहती थी ना? हाँ। तो कभी आपको कुछ ऐसा लगा जैसे कि वो कुछ गलत कर रही हो? आपको ऐसा कभी डाउट हुआ? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं,
बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। कल ये लड़की हमारे हॉस्टल में आई थी एक लड़के के साथ, दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था। जब ये लड़की आपके हॉस्टल में उस लड़के के साथ, तो आपके हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरा तो लगा होगा ना? जी सर। उसकी फुटेज मिल सकती है? जी सर। थैंक यू। बता बता, तूने गौरी को क्यों मारा? अबे बताना, बता, सच सच बोल, बोल। मारूंगा नहीं तो क्या करूंगा? उसे उसे मुझे जेल में भेज दिया। मैं उसे काम पे भेजता था, उसने मुझे जेल में भेज दिया। आपके मैगजीन का नाम क्या है? सायापुरी मैगजीन। सायापुरी मैगजीन? ये तो सेक्स मैगजीन है। तो क्या हुआ, इतना तो चलता है। क्या मतलब? मैं पैसे के लिए मतलब नंगी हो जाऊं और मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं क्या? आपको काम मिलेगा और पैसा मिलेगा, और तुमको इस सब से क्या करना है? मतलब बताओ, मेरी जैसे कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने? अरे अरे अरे, मेरी बात सुनो। मैं आपको काम? क्या काम बता तू। अरे धीरे धीरे बोलो, लोग सुन रहे हैं। धीरे धीरे बोलो। हाथ छोड़, हाथ छोड़ मेरा। मेरी बात, हाथ छोड़ मेरा। मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ मेरा। क्या रे, क्या लड़की को छेड़ रहा तू? अरे तुम क्या क्या, मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे मैं तेरे को निकल ऐसे, चल निकल निकल चल, मार इसको, मार, भगा इसको, भाग, दोबारा मत दिखना। साले काम देता है? हाँ। कि तू उसे अपनी आवाज का शिकार बनाना चाहता था? सच सच बोल, कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है तू? बोल। मैंने पहले उसके घर पे छुपके से घुसा और फिर बहुत जोर जोर से मारा उसे। मैंने उसे मार के बाथरूम में ले गया और जब वो मर गई तो मैंने उसका रेप कर दिया। साले, अपनी हवस के लिए तूने उसे मार दिया? जी चाहता है कि तुझे तुम्हें